हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नेक्स्ट जनरेशन इंजीनियर्स। तो गाइस आज का जो वीडियो में बेसिकली गाड़ी का इंजन का हेड गैस्केट का कंडीशन हम लोग कैसे चेक कर सकते हैं। जैसे हेड गैस्केट अगर खराब होगा तो गाड़ी में क्या क्या टाइप का प्रॉब्लम आता है, और उसके साथ साथ हेड गैस्केट का कंडीशन हम लोग इंजन को विदाउट डिसमेंटल करके इसको कैसे चेक कर सकते हैं, तो ये सब कुछ आज का वीडियो के दौरान से हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल इंजन का हेड गैस्केट में अगर कुछ प्रॉब्लम रहेगा तो उस कंडीशन में गाड़ी आपका अगर सुबह में गाड़ी स्टार्ट करेंगे तो उस कंडीशन में गाड़ी का इंजन जो है इंजन से आपका थोड़ा बहुत जार्किंग होगा, जैसे कि उसके साथ साथ इंजन का जो नॉकिंग है, इंजन का थोड़ा बहुत नॉकिंग होने का भी चांसेस रहता है। तो ऐसे ये जो गाड़ी है, ये गाड़ी में आप इधर क्लियरली थोड़ा बहुत देख सकते हैं कि जो इंजन है, इंजन थोड़ा बहुत वाइब्रेशन ज़्यादा कर रहा है। तो गाइस आप इधर में क्लियरली देख सकते हैं, जैसे मैं इसको थोड़ा बहुत एक्सीलरेशन कर रहा हूँ तो गाड़ी मेरा थोड़ा बहुत वाइब्रेशन ज़्यादा हो रहा है। तो ये वाइब्रेशन बेसिकली गाड़ी में जो नॉकिंग है, ये नॉकिंग होने की वजह से ये वाइब्रेशन आपका इधर में ज़्यादा हो रहा है। नेक्स्ट जो पॉइंट है ये आपको इधर में देखना होगा कि आपका जो रेडिएटर है, ये रेडिएटर का इधर से कुछ एयर बबल्स टाइप का कूलेंट से निकल रहा है नहीं, तो इसके लिए बेसिकली गाड़ी का जो रेडिएटर का प्रेशर कैप है, ये प्रेशर कैप आपको इधर से रिमूव करना होगा। तो ये प्रेशर कैप बेसिकली गाड़ी जब ठंडा कंडीशन में रहेगा तभी आप इसको ओपन कर सकते हैं। ओपन करो इसको, तभी मैंने इसको ओपन कर दिया। तो फिलहाल अभी जगह गाड़ी को मेरे को स्टार्ट करना होगा। स्टार्ट करने के बाद ये जो पोजिशन है, ये कूलेंट से हम लोग को इधर उससे कुछ चेक करना होगा कि इसमें कुछ एयर बबल्स टाइप का कुछ निकल रहा है नहीं। स्टार्ट, तो गाइस गाड़ी मेरा स्टार्ट हो गया। तो फिलहाल अभी आप इधर में क्लियरली देख सकते हैं कि जो कूलेंट है, ये कूलेंट का इधर से कितना एयर बबल्स इधर से निकल रहा है। तो गाड़ी का अगर हेड गैस्केट में अगर प्रॉब्लम रहेगा तो जगह ये जो कूलेंट है, ये कूलेंट का इधर से कुछ एयर बबल ऐसे टाइप का निकलता है। तो और भी आप क्लियरली इधर में देख सकते हैं कि एयर बबल्स इधर इसमें कितना ज्यादा आ रहा है। तो गाइज आपके पास अगर गाड़ी का कंप्रेशन टेस्टर रहेगा तो ये कंप्रेशन टेस्टर के दौरान से आप गाड़ी का इंजन का कंप्रेशन एक बार टेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि गाड़ी का हेड गैस्केट में अगर कुछ प्रॉब्लम रहेगा तो आपका ये कंप्रेशन टेस्ट में भी वो पता चल जाएगा। इसके लिए बेसिकली गाड़ी का ये सब कुछ जो स्पार्क प्लग है, ये सब कुछ एक बार रिमूव करना होगा। ट्रैंक करो, तो गाइज अभी इधर में देख सकते हैं जो कंप्रेशन का जो इधर में रिपोर्ट आया है, एक नंबर सिलेंडर का, ये सिर्फ आपका ये 3 से थोड़ा सा ऊपर और 4 से नीचे है। जैसे इधर में आपको मेजर करना है, ये बेसिकली केजी में मेजर करने से आपका अच्छा होगा। तो इधर में कुछ आपका लगभग 4 केजी सेंटीमीटर स्क्वायर ऐसा कुछ इधर में प्रेशर आ रहा है, जो कि आपका कंप्रेशन प्रेशर के अनुसार से ये बहुत ही कम है। तो और भी जितना भी सिलेंडर है, ये सबको एक बार हम लोग चेक कर लेंगे। तो गाइस मैं अभी जाके गाड़ी का जो 3 नंबर सिलेंडर है, ये 3 नंबर सिलेंडर का कंप्रेशन एक बार चेक कर ले रहा हूँ। क्रैंक करो, तो गाइस अभी फिलहाल इधर में आप देख सकते हैं जो 3 नंबर सिलेंडर का जो कंप्रेशन का प्रेशर है, कुछ इधर में ये 12.5 केजी सेंटीमीटर स्क्वायर ऐसा कुछ आ रहा है, जो कि जो जब हम लोग 1 नंबर सिलेंडर चेक कर रहे थे तो उधर में कुछ 3.5 केजी ऐसा कुछ आ रहा था, और इधर में जो 3 नंबर सिलेंडर है, 3 नंबर सिलेंडर में आपका कुछ 12 केजी आ रहा है। तो इसका मतलब है बेसिकली गाड़ी का जो हेड गैस्केट का जो प्रॉब्लम है, ये हेड गैस्केट बेसिकली गाड़ी का जो 1 नंबर सिलेंडर है, ये 1 नंबर सिलेंडर में ही उधर में डैमेज जो है, ये डैमेज ज़्यादा है। तो गाइज जो कंप्रेशन का रिजल्ट था, ये कंप्रेशन का रिजल्ट आपने देख लिया। मैंने बेसिकली सिर्फ 2 ही सिलेंडर का चेक किया, 1 नंबर सिलेंडर और 3 नंबर सिलेंडर। तो 1 नंबर सिलेंडर में आपका कुछ 3.5 केजी ऐसा कुछ आ रहा था, और 3 नंबर सिलेंडर में कुछ 12-13 केजी ऐसा कुछ आ रहा था। तो इसका मतलब है ये जो कंप्रेशन प्रेशर है, इससे भी आपको ये पता चल सकता है कि कौन सा सिलेंडर में आपका बेसिकली प्रॉब्लम है। तो ये जो हेड गैस्केट है, ये हेड गैस्केट बेसिकली जो 1 नंबर सिलेंडर है तो उसमें आपका ज़्यादा खराब हुआ है। बेसिकली हेड गैस्केट पूरा आपका 4 सिलेंडर में ही एक ही लगता है, फिर भी जो हेड गैस्केट का जो मोस्टली डैमेज पोजीशन है, ये बेसिकली आपका 1 नंबर सिलेंडर के पास से ज़्यादा हुआ है। तो गाइज ये था पूरा आज का वीडियो।
जैसे कि आप लोगों ने वीडियो के दौरान से देखा कि आपका गाड़ी का हेड गास्केट खराब है, तो इसको आप कैसे कैसे चेक कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि जो वीडियो को आप लोगों को भी नॉलेज इन्फॉर्मेशन के लिए थोड़ा बहुत काम में आएगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आप अगर मेरा चैनल में नया तो मेरा जो चैनल है नेक्स्ट जनरेशन इंजीनियर्स, प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कीजिए।